नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज आप हल्ला बोल सीधे जर्मनी बर्लिन से देख रहे हैं और ये ब्रांडेनबर्ग गेट के सामने से आप ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। 3 दिन 3 देश 65 घंटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या भारत की नीति, कूटनीति, स्वतंत्र कूटनीति के जरिए हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन की जंग के बीच आज यूरोप के दौरे पर हैं। इससे पहले चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान हो जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, रूस से बातचीत कर सकते हैं इस जंग को रोकने के लिए, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन से लगातार उनकी बातचीत और फिर तीसरी तरफ यूरोप के साथ हिंदुस्तान के बढ़ते रिश्ते। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अब खत्म हो गई है। हम तस्वीरें आपको उसी बैठक की दिखा रहे हैं। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है जिसे माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जंग पर भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है। संकल्प यही है कि कैसे भारत अन्य देशों के साथ शांति की राह को खोजे। भारत ने हर कदम पर यह साफ किया है, कूटनीति के नजरिए से यह साफ किया है कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है। भारत ने यह साफ किया है कि हर देश शांति के लिए प्रगतिशील रहे, प्रयत्नशील रहे और ये भी कि शांति वार्ता के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं जब दो देशों के बीच में कोई भी समस्या आए। जी हाँ, क्या कुछ निकला है जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान पर वो बढ़ता हुआ दबाव पश्चिमी देशों की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोपीय मुल्क हो, कि रूस का साथ भारत छोड़े। लेकिन रूस पर भारत की तटस्थ और स्वदेश जो स्वतंत्र विदेश नीति है जिसकी प्रशंसा भी पूरी दुनिया कर रहा है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आज किस तरह से भारतीय यहां पर झूम उठे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने थे और दूसरी तरफ चांसलर ओलाफ शोल्ज या फिर 65 घंटे के इस यूरोप दौरे से हिंदुस्तान की नजर किस बात पर है। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद पूरा का पूरा बर्लिन मोदीमय है और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। पीएम मोदी बर्लिन में है तो जर्मनी पर हिंदुस्तान का रंग चढ़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक दिख रही है। पूरे जर्मनी से राजधानी में बर्लिन में जमा हुए हिंदुस्तानियों के चेहरे पर अपने देश के महान होने का गर्व झलक रहा है। हर दिल में जोश है, हर दिल में उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी कोई विदेशी दौरा होता है जो भारतीय मौजूद रहते हैं उनकी धमक, उनका जोश दिखाई देता है और ऐसे ही ब्रांडेनबर्ग गेट पर इस वक्त बर्लिन में मौजूद है। जोश और उत्साह देखिए क्योंकि यहाँ पर अपने कार्यक्रम, अपने डांस, अपने जोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तमाम भारतीय पहुँचते हैं। एक तरफ महिलाएं यहाँ पर डांस कर रही हैं तो दूसरी तरफ ये धमक, ढोल ताशा जिसके साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। पीएम मोदी ने बर्लिन पहुँचते ही हिंदुस्तानियों से मुलाकात की और जिन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला उनकी खुशी ऐसी की बस। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज में दिखे। एक छोटी बच्ची ने देशभक्ति गीत सुनाकर उनका दिल जीत लिया। सबका मैं ही ले लेता, ले लो ले लो। तो वहीं एक बच्ची उनके लिए खुद से तैयार किया पेंटिंग लेकर पहुंची। कितना टाइम लगा इसको? बर्लिन में बसे हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया और पीएम मोदी भी पूरे दिल से मिले।